नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा मामले में अलीगढ़ के वकील और हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण गुप्ता ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत 12 से ज्यादा नेताओं पर हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बताया है। तो प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि पूरे देश में नागरिकता कानून का समर्थन था, लेकिन कुछ पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिल का सहारा ले रही थी। पूरे देश में अपने भाषणों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और अब ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। चल में जो देश में सीएए के खिलाफ जो जगह जगह पे हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उसकी वजह से मैंने जो मूल कारण है उन लोगों के चलते हुए ये मुकदमा दर्ज कराया है। और इसके चलते हुए चूंकि इस हिंसात्मक आंदोलन को भड़काने में मूल रूप से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, रविश कुमार एनडीटीवी से और इनके ही उकसावे पे जामिया मिलिया के छात्र जिसमें शामिल हुए।